बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से। जिलाधिकारी हरदोई को प्रार्थना पत्र देकर सुरक्षा की लगाई गुहार। महोदय बताते चले, सन 2014-2015 में उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम में नौकरी का झांसा देकर विपक्षी नायक विमलेश त्रिवेदी पुत्र शिव कुमार त्रिवेदी निवासी ग्राम जलालपुर पोस्ट करावा थाना मझिला जिला हरदोई आदि ने फर्जी सीसीसी कंप्यूटर और विभागीय ट्रेनिंग कराकर और फर्जी नियुक्ति पत्र देकर सैकड़ों बच्चों से करोड़ों रुपए हड़प लिए थे। प्रार्थी ने जिसका मुकदमा S-263/16 थाना देहात कोतवाली हरदोई वादी है और मुकदमा S-291/16 थाना टड़ियावा हरदोई वादी हरिश्चंद्र पुत्र गयादीन प्रार्थी कमलेश कुमार पुजारी गवाह के तौर पर है। विपक्षों लोगों ने विवेचना अधिकारी से साठ गांठ एवं धन के बल पर प्रार्थी कमलेश कुमार पुजारी को जिस मुकदमे में वादी है उसमें भी अपराधी बना दिया और जिस मुकदमे में गवाह है उसमें भी अपराधी बनाकर 9 अप्रैल 2017 को जेल भेज दिया था। प्रार्थी की मां उत्तर प्रदेश हरिजन आयोग पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई और न्याय की गुहार लगाई। तब हरिजन आयोग से पुनः जांच कर आदेश आया और संडिला सीओ जांच दी गई। सीओ ने ऑफिस में ही बैठकर जांच पूरी कर ली और प्रार्थी कमलेश कुमार पुकारी पर एक और मुकदमा लगा दिया। इसके बाद में प्रार्थी की मां जब पेशी पर मिलने गई तो विपक्षियों और उनके साथियों ने भीषण धमकी दी और कहा अगर अब की कहीं शिकायत दर्ज कराई तो उत्तर प्रदेश के जिलों में इतने मुकदमे लगवा दूंगा, जिंदगी पर पूरा परिवार जेल में ही सड़कर मर जाओगे, नहीं तो पूरे परिवार का अपहरण कराके के हत्या करवा दूंगा। प्रार्थी की मां विपक्षियों की बातों को न सहन कर पाए और उनका हार्ट अटैक हो और उनकी मौत हो गई, जिसकी दिनांक 16 अगस्त 2018 प्रार्थी ने इस घटना की शिकायत जिला जज महोदय हरदोई एवं इलाहाबाद हाई कोर्ट खंडपीठ लखनऊ के मुख्य न्यायाधीश महोदय को प्रार्थना पत्र भेज कर न्याय की गुहार लगाई। हाई कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक हरदोई को लिखित आदेशित किया। प्रार्थी जेल से जमानत पर रिहा हुआ। प्रार्थी जब से जेल से अपने घर आया है तब से विपक्षी लोग धमकियां देते हैं। प्रार्थी जब पेशी पर हरदोई जाता है तो विपक्षी लोग धमकियां देते हैं, या तो ऐसे मुकदमों में फंसवा दूंगा जिनसे सजा उम्र कैद होगी या तो जान से मरवा दूंगा। प्रार्थी ने दिनांक 7 अक्टूबर 2020 को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर रामचंद्र सिंह तथा सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस अधीक्षक महोदय से जान की सुरक्षा व्यवस्था के लिए गुहार थी, फिर भी विपक्षी पीछा नहीं छोड़ रहे। प्रार्थी ने फिर 23 फरवरी 2021 को भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर रामचंद्र सिंह के साथ में और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में जाकर श्रीमान जिला अधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र देकर जान माल सुरक्षा की गुहार लगाई। विपक्षियों के मोबाइल नंबरों की कॉल रिकॉर्डिंग और वीडियो और फर्जी झूठा आरोप लगाने वाले विपक्षियों के वीडियो आदि सभी बच्चों के पास मौजूद है। प्रार्थी की जान एवं परिवार में कुछ होता है तो विपक्षी विमलेश कुमार त्रिवेदी हो होंगे। प्रार्थी वर्तमान में भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी का मीडिया प्रभारी एवं एक चैनल का पत्रकार है। क्या नाम है तुम्हारा? कमलेश कुमार पुजारी पुत्र रामलाल ग्राम थौनवा थाना टड़ियामा जनपद हरदोई का मैं रहने वाला हूँ। क्या समस्या है? समस्या मेरी ये है, 2014-15 में राज्य भंडारण निगम के नाम पर विमलेश कुमार त्रिवेदी विजय अवस्थी आदि ने फर्जी ट्रेनिंग कराई थी। जी जी। उसके साथ में ट्रेनिंग के बाद में ज्वाइनिंग लेटर दिए थे वो फर्जी निकले। जी। सैकड़ों बच्चों के साथ में शोषण किया गया, पैसा उनका 3-3 लाख रुपये ले लिया गया। जी। उसके बाद में विमलेश त्रिवेदी से जब हमने कहा ये मामला फर्जी आपका निकला है तो हमारे लोगों को पैसा गुमा दीजिए, हम 300 लोग उनके घर पर गए थे। जी। तब उन्होंने हमारे नाम से 7,18,000 के चेक दे दिए, वो भी बाउंस निकले। उसके बाद में उन्होंने हमें अपने घर पर बुलाया। जी। उसके चेक वापस मांगे तो हमने चेक नहीं दिए। उसके बाद में उन्होंने अपने लाइसेंसी रिवाइवल हमारे कनपट्टी में लगा दिया और हमें जान माल से मारने की कोशिश की। बड़े मुश्किल से प्राण बचे। उसके बाद में हम जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक महोदय आदि से मिले। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर मुकदमा पंजीकृत किया गया तो थाना देहात कोतवाली हरदोई में बच्चों के साथ में हम गए, वहां पर प्रार्थना पत्र दिया तो मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा संख्या 291/16 और 263/16 में देहात कोतवाली में मैं वादी हूँ। थाना टड़ियामम जो मुकदमा है उसमें मैं गवाह हूँ। जी। पुलिस विवेचना अधिकारी को विपक्षी लोगों ने इतना बड़ा धन दे दिया और सत्ता का पावर दिखा दिया, उसके कारण विवेचना अधिकारी ने हमें दोनों मुकदमों में जेल भेज दिया। जी। जेल जाने के बाद में हमारी माँ जो है उत्तर प्रदेश जो है राष्ट्रीय हरिजन आयोग में गई, वहाँ पर पुनः जांच के लिए शिकायती पत्र दिया। उसके बाद में संडिला सीओ को जांच मिली, सीओ साहब ने भी हमारी बात को नहीं सुना, हमारे परिवार की बात को नहीं सुना, एक मुकदमा और हम पे फर्जी डाल दिया। उसके बाद में हमारी पेशी थी हरदोई कोर्ट में। जी।
उस पर हमारी माँ हमें मिलने के लिए गए तो वहाँ पर विपक्षी लोगों के साथी और विपक्षी लोगों ने इतनी उन्हें धमकियाँ दे दी, उसकी धमकी के कारण से उनका हार्ट अटैक हो गया और उनकी 8/16/2018 में मृत्यु हो गई। ये जानकारी हमें जेल में मिली तो बड़ा दुख हुआ, कष्ट हुआ। उसके बाद में हमने इसकी शिकायत जिला जज महोदय हरदोई, मुख्य न्यायाधीश महोदय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ को प्रार्थना पत्र भेज कर शिकायत दर्ज कराई। जी हाई कोर्ट ने हमारे मैटर को संज्ञान लिया और लिखित में जो है आदेशित हरदोई पुलिस कप्तान हरदोई को दिया गया। जी इसके साथ में हमने शासन प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश, माननीय राज्यपाल महोदय जी उत्तर प्रदेश, माननीय राष्ट्रपति महोदय जी भारत सरकार नई दिल्ली एवं प्रधानमंत्री भारत सरकार नई दिल्ली, साथ में गृह मंत्रालय भारत सरकार के हमने कई विभागों में प्रार्थना पत्र दिए, जानमाल की सुरक्षा व्यवस्था की।